वाइट डिस्चार्ज होने का एक और कारण है, जिससे कि जब हम लड़कियों को वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो वजाइनल इन्फेक्शन का ये दूसरा कारण वाइट डिस्चार्ज भी है। जिनको ज्यादा क्वांटिटी में वाइट डिस्चार्ज होता है, तो वजाइनल इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ही मजा आने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो गर्ल्स टीनेजर की एज में होती है और जब उनको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है, जिसको हम व्हाइट लिक्विड बोलते हैं, कई लोग व्हाइट लिक्विड बोलते हैं, कुछ डिस्चार्ज बोलते हैं, ये जब गर्ल्स को जब टीनेजर एज में होता है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। उनको समझ में ही नहीं आता कि वो किससे बोले, क्योंकि कई बार तो कुछ गर्ल्स को इतना ज्यादा होता है कि उनकी पैंटी तक खराब हो जाती है, और जिस वजह से बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब होती है। थोड़ा बहुत आना ये एक नॉर्मल फैक्टर है, क्योंकि हम ग्रोथ करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, और इस वजह से ये आपको डिस्चार्ज होता है। लेकिन जब किसी भी लड़की को अगर ये डिस्चार्ज ज्यादा होता है, वाइट डिस्चार्ज, तो इसका मतलब ये है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना, और आप अपने मदर से जरूर डिस्कस करें इस बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो इससे आपको कुछ भी बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और आपकी बॉडी में, आपके हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तभी आपको इतना ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो अपनी मदर से जरूर डिस्कस करना, क्योंकि जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्योंकि काफी गर्ल्स ऐसी हैं जो अपनी मदर्स के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंक होती हैं, कुछ गर्ल्स होती हैं जो मतलब बहुत ज्यादा शाई होती हैं, लेकिन वो अपनी बातें कह नहीं पाती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर आती हूँ, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपके लिए शूट करती हूँ, इसीलिए जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके, और अपनी मदर से मतलब इतना फ्रेंकली रहें कि एटलीस्ट अपने हेल्थ से रिलेटेड अपने मदर को आप इजिली आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। वाइट डिस्चार्ज होने का एक और कारण है, जिससे कि जब हम लड़कियों को वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो वजाइनल इन्फेक्शन का ये दूसरा कारण वाइट डिस्चार्ज भी है। जिनको ज्यादा क्वांटिटी में वाइट डिस्चार्ज होता है, तो वजाइनल इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि वजाइनल इन्फेक्शन में खुजली, जलन, इस तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो जब आपको वाइट डिस्चार्ज के थ्रू जब आपको वजाइनल इन्फेक्शन होता है, तो आपको ये कुछ भी जो भी घरेलू उपाय होते हैं मम्मी दादी जो बताती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में, क्योंकि हमारा खान पान सब कुछ चेंज हो गया है और बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, तो आपको ज्यादा देर ना करते हो आपको एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको ज्यादा खुजली या जलन या रैशेज हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये हमारा सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसमें कि कई लड़कियां, कई गर्ल्स होती हैं, कई लेडीज होती हैं, सोचती हैं अरे ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, या कोई भी कुछ भी ट्यूब लगा लेती है मेडिकल स्टोर से लाके। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपरली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने गायनिक से कंसल्ट करना है, और प्रॉपर अपना चेकअप करा के ही मेडिसिन लेनी है, क्योंकि हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट है, और इस चीज को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आगे जाके अगर कोई गर्ल है, तो उसको आगे जाके उसकी कल को शादी भी होनी है, फिर उसके बाद बेबी प्लानिंग, तो काफी कुछ चीज होता है, और हम गर्ल्स को तो स्पेशली बहुत सारी चीजों को लेकर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली हमारी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो मैं आपको तीसरी बात बताने जा रही हूँ, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैंने ये गूगल पे पढ़ा था, जैसे मैं सर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि कुछ गर्ल्स को वाइट डिस्चार्ज में ब्लड आता है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत सीरियस वाली बात है। क्योंकि अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और आपको वाइट डिस्चार्ज के टाइम पे वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ आपको ब्लड आ रहा है, चाहे थोड़ा सा ही आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो ये बहुत ही डरने वाली बात है, किसी बीमारी का संकेत आपको दे रहा है, तो इस बात को बिल्कुल लाइटली ना ले, और तुरंत जाके डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना ही करना है। क्योंकि मैंने जितना गूगल पे देखा था ना, मतलब मैं खुद शॉक हो गई, क्या ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कि वाइट डिस्चार्ज के साथ ब्लड, ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर ये मैंने काफी रिसर्च किया, काफी पढ़ा, तो तब जाके मुझे पता चला कि ये कुछ ना हमारी जो बॉडी में हार्मोन इंबैलेंस होते हैं, और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, तो कई बार हमारे वाइट डिस्चार्ज के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। और अगर ऐसा होता है गलती से भी, या कभी भी आपको ऐसा लगता है कि वाइट डिस्चार्ज के साथ ब्लड आ रहा है, तो आपको लाइटली नहीं लेना है, और आपको फटाफट जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सर्वाइकल पॉलिप्स, एंडोटेलियम कैंसर जैसी आपको बीमारियां हो सकती हैं।
गर्ल्स को जब वाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता है तो कई गर्ल्स क्या करती हैं कि अपना वो पैंटी पहन के ही रखती हैं, मतलब काफी आज तक उसको ही यूज करती है। बट आपको अगर ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको 6 से 7 घंटे बाद आपको अपनी पैंटी चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वही पैंटी को आप अगर आप 24 आवर्स पहनते हैं या 12 घंटे भी पहनते हैं तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो वाइट डिस्चार्ज है वो हमारी पैंटी में लग जाता है और जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरियल हो जाते हैं, जिस वजह से हमें वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको अपनी पैंटी भी चेंज करनी है और साथ में आपको अपना ट्रीटमेंट भी कराना। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जल्दी मिलती है न्यू ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल, बाय।